आरसी एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 आर्ट खंड ए का दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, लेसन 2 भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार। सबसे पहले बात करें अधिकारों के, अधिकार क्या होते हैं। अधिकार व्यक्ति की मांगे हैं, अधिकार व्यक्ति की मांग है, अर्थात अधिकार व्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं, इनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए भारत के संविधान में अधिकारों की व्यवस्था की गई है। बात यह आती है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 7 मूल अधिकार हैं। 7 मूल अधिकारों में सबसे पहला है समानता का अधिकार। मूल अधिकार बताने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा कि अधिकांश लोकतांत्रिक जो राष्ट्र होते हैं उनमें अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है और उसी घोषणा पत्र के आधार पर सरकारी काम करती है। अर्थात घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र नागरिक अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई काम किया जाता है तो उसको रोकने का कार्य करता है। नागरिक अधिकारों के विरुद्ध जो भी काम होता है तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है? अधिकारों का घोषणा पत्र, जो अधिकांशतः लोकतांत्रिक राष्ट्रों में पाया जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का अपना एक अधिकार घोषणा पत्र है, भारत का अपना एक अधिकार घोषणा पत्र है। ऐसे ही अधिकार एक तरह से व्यक्ति के अनिवार्य शक्ति हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। अधिकार व्यक्ति की मांग भी कहलाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें अब भारतीय संविधान के मूल अधिकार। पहला मूल अधिकार, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है और संविधान के द्वारा उनको सुरक्षा दी जाती है, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारत के संविधान में अगर मूल अधिकार की बात करें तो ये 7 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है शिक्षा व संस्कृति अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सातवां है संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय मूल अधिकार, मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार, जिसे हटा दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों की अगर बात करें तो संविधान के भाग 3 में,
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों की बात करें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। प्रत्येक मूल अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से विवरण भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। इसी प्रकार संपत्ति का जो मूल अधिकार है इसको मूल अधिकारों की सूची में से 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा लिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा लिया गया। अब इनकी वर्तमान में संख्या 6 रह गई। अगर अपना अनुच्छेद की बात करें तो समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से और 18 तक में इसका उल्लेख है। समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से और 18 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत दो बातें सामने आती हैं। प्रथम है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा कानून का समान संरक्षण। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से और 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो बातों को बताया गया है। पहली बात कानून के समक्ष समानता और दूसरी है कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, चाहे किसी अमीर बाप का बेटा हो या गरीब बाप का बेटा हो, सब बराबर है, कानून सबको एक दृष्टि से देखता है और कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कानून का समान संरक्षण, यानी कि एक अपराध किया है तो उसी अपराध को के लिए एक बार ही सजा मिलेगी और अपराध के न्यायालय भी एक जैसे होंगे, एक जैसे अपराध के लिए एक जैसी सजा मिलेगी और एक जैसे न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समान और कानून का समान संरक्षण किया गया है, यानी कि एक जैसे अपराध के लिए एक जैसी सजा मिलेगी और एक जैसे ही न्यायालय में मुकदमा सुनने के लिए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा राजनेता है, शासक है, कोई अधिकारी है तो उसके न्यायालय अलग से होंगे, सबकी सुनवाई एक जैसे अपराध के लिए एक जैसी सजा और एक जैसे न्यायालय होंगे। तो कानून का समान संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 14 के द्वारा। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 की बात करें, तो अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वर्ग, जाति, आयु या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वर्ग, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे किसी को सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकना यह अन्याय है, तो इसी अन्याय को मिटाने के लिए भारत का संविधान कटिबद्ध है, यानी कि अनुच्छेद 15 के द्वारा वो इस भेदभाव को मिटाना चाहता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में बताया गया कानून का कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 में बताया गया कि धर्म, मूल वर्ग, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव वाली स्थिति को नहीं अपनाया जाएगा। जैसे किसी सार्वजनिक मंदिर में किसी दलित समाज में दलित समुदाय को जाने से रोकना एक तरह से अन्याय है, तो इसी अन्याय को मिटाने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता, यानी कि सभी लोगों को अवसर की समानता दी जाएगी। जैसे योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, योग्य व्यक्ति मत दे सकते हैं, तो उनमें ऐसा करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि अवसर की समानता नौकरियों में या अन्य संस्थाओं में सभी को दी गई है और यह अनुच्छेद 16 के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है।
क्योंकि छुआछूत असमानता का सबसे भद्दा रूप है, इसलिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया और इसको एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। अब कोई व्यक्ति किसी के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 18, अनुच्छेद 18 यानी कि अनुच्छेद 14 से और 18 तक में समानता के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है, इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि राज्य शिक्षा और सेना को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा। क्योंकि पहले आप प्राचीन समाज में या फिर पूर्व में सम्राट, सवाई आदि की उपाधियाँ दी जाती थी, उन उपाधियों का बंद कर दिया गया है और अब मात्र शिक्षा व सेना के संबंध में ही राष्ट्र उपाधि दी जाएगी। और एक विशेष बात और बताई गई इसमें कि विदेशी राज्य से कोई व्यक्ति यानी कोई नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उपाधि ग्रहण करेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी कोई भी एक तरह से पदवी है वो ग्रहण नहीं की जाएगी। भारत के नागरिक के द्वारा विदेशी पदवी ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाए। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई पदवी ग्रहण नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 14 से और 18 तक में समानता के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अब समानता के मूल अधिकार के उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे एक महिला और एक पुरुष दोनों को एक साथ बैठने का, एक महिला और एक पुरुष लिंग के आधार पर अपने भेदभाव होगा। जैसे 5 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया ये समझ कर कि वो मोटी थी और 5 पुरुषों को ऐसा 5 पुरुषों के साथ ऐसा नहीं किया गया, तो ये भेदभाव है किस आधार पर? लिंग के आधार पर। तो इसी प्रकार समानता का जो अधिकार है वो लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति करता है। मैं कहूँ अभी आपसे कि सार्वजनिक मंदिर में जाने से किसी को रोका गया तो ये एक भेदभाव का रूप है, इसे भी मिटाने के लिए भारत का संविधान कटिबद्ध है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के संगम इकट्ठा होने की स्वतंत्रता और कोई भी वृत्तीय व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हमको प्रदान की गई हैं। संपत्ति की स्वतंत्रता इसको हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 20 व 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 20 व 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व प्रदान किया गया है, दैहिक स्वतंत्रता को महत्व प्रदान किया गया है। व्यक्ति रोजी रोटी का अधिकारी है, उसे रोजगार पाने का अधिकार है, झोपड़ी कम से कम उसे मूलभूत सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, तो इसके लिए अनुच्छेद 20 व 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 22 में निवारक नजरबंदी का भी उल्लेख किया गया है। अब बात यह है कि निवारक नजरबंदी क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है और उस पर मुकदमा दायर करती है, लेकिन कई बार शक के आधार पर भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो शक के आधार पर गिरफ्तार कर जिस व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, अर्थात एक तरह से ये असामाजिक तत्वों से निपटने का हथियार है। निवारक नजरबंदी एक तरह से असामाजिक तत्वों से निपटने का हथियार है। अवैध रूप से कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, अनुचित कार्य कर रहा है, तो उस कार्य को रोकना है, अर्थात शक के आधार पर गिरफ्तार करके जिस व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और उसको अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। अधिकतम शक के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। 3 माह के बाद अगर उसको गिरफ्तार रखना है तो एक परामर्शदात्री समिति के सामने परामर्शदात्री समिति का सहयोग लेना होगा और उसी के आधार पर उसको उसके समय को बढ़ाया जा सकता है। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। साथ में स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तहत एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। उस एक आरोपी को ये भी अधिकार दिए गए हैं
कि वो अपना संबंधित कोई वकील कर सकता है, हम अपना मुकदमा दायर करवा सकता है और अपनी पसंद का वकील करके और उस मुकदमे को आगे बढ़वा सकता है। अर्थात वो उसे और आत्महत्या करना भी उसके लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा व अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा व मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा, अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा व मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, यानी कि इस मूल अधिकार के तहत सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा वह मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई, यानी कि मनुष्य का कोई किसी प्रकार का व्यापार नहीं होना चाहिए और बेगार प्रथा की फालतू कार्य करवाना और उसकी मजदूरी नहीं देना या अपने स्वामी के दास जैसे होते हैं वो एक तरह से शोषण के शिकार हैं, इस प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको कल कारखानों में, होटलों में या कहीं जोखिम भरे स्थानों पर कहीं पर भी लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बच्चों की जो सुकुमार अवस्था जो खेलने पढ़ने लिखने की होती है उसमें बच्चों से काम करवाना एक तरह से शोषण है। उनको जोखिम भरे स्थानों पर लगाना, होटलों में लगाना, कल कारखानों में लगाना, अन्य खतरनाक स्थानों पर लगाना एक तरह से शोषण है। तो इसी शोषण से भारतीय संविधान मुक्ति चाहता है और इसी शोषण को मिटाने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। 25 से 28 में किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से 28 में किया गया है।